एक और सूचना लेकर आए हैं आपके समक्ष। पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आया है एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय का, और इस बात का रखिएगा ध्यान कि एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है भारत में, और साथ साथ पीएचडी का नया जो नोटिफिकेशन या कहें रेगुलेटिंग एक्ट आया है 2020 का, उसके आधार पर ही इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के सीट आई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने हैं। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं उसको देख लीजिएगा, और मार्च 2022 में पीएचडी एडमिशन का जो नया गजट आया था उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये दोनों पीडीएफ फाइल के लिंक आपको मेरी किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएंगे, और इस वीडियो के लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा। यूनिवर्सिटी है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जम्मू और कश्मीर मत समझिएगा, ठीक है। जम्मू अलग विश्वविद्यालय है और कश्मीर में एक अलग विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो जम्मू विश्वविद्यालय का आया है एप्लीकेशन फॉर्म, 18 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें, और जो बच्चे कहीं ना कहीं से एमए करा है, एमकॉम करा है, एमएससी करा है, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, अलग से मतलब है कि अप्लाई करने के लिए आपको 60% नंबर यदि हैं पीजी में तो ही अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपको 55 नंबर चाहिए, यानी कि जो क्राइटेरिया एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी पीएच के लिए 50 हुआ करता था अन्य विश्वविद्यालयों में, जम्मू विश्वविद्यालय में उसको 55 रखा गया है, और अन्य बच्चों के लिए 60 रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं एक सिलसिलेवार तरीके से नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहता है कि 9 मई 2022 को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से, और लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की 23 मई 2022, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, इंटरव्यू की डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा, इस तीनों के बारे में कोई जानकारी अभी तक तो नहीं है वेबसाइट पर, जैसे ही जानकारी आएगी आपको हम बता देंगे। एक और दूसरी चीज़, अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट यदि किसी ना किसी जॉब में लिप्त है, यानी कि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अप्लाई करते वक्त उनको एक एनओसी का लेटर अटैच करना होगा या बताना होगा कि आप जॉब में हैं, आपको एनओसी हो सकता है बाय पोस्ट में या ईमेल के माध्यम से या फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट में मांगा जाए, ठीक है। और कुछ प्रावधान नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीएचडी के फॉर्म को रेगुलर बच्चे ही भर सकते हैं, जो जॉब में वो नहीं भर सकते, लेकिन जम्मू का जो फॉर्म आया है यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, आप यदि अपना पीजी रेगुलर माध्यम से किया है या डिस्टेंस माध्यम से किया है, कोई भी बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको सीट बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने गेट पास किया है 80% स्कोर के साथ में, और आपने जेआरएफ पास किया है और नेट पास किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर और यूजीसी का नेट जेआरएफ पास किया है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। एक जिक्र आएगा एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफएसटी, यदि आपने इसको भी प्राप्त किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यदि आपने इसमें से कुछ भी पास नहीं किया है, यदि आपने इसमें से कुछ भी पास नहीं किया, आपके पास नेट नहीं है, गेट नहीं है या फिर एनएफ नहीं है, तो अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। आरजेएनएफ का और एमएनएफ का इसमें जिक्र नहीं है, केवल जो जिक्र है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सीट बता दूँ धीरे धीरे से, और बाकी आप सुन लेंगे, और बाकी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर के अंदर मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। याद रखिएगा 60% जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए हैं, और 55% एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए मास्टर्स में अंक रखे गए हैं, इसका ख्याल रखिएगा। सीटें सुन लेंगे आप लोग, और सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं ऐसा यूनिवर्सिटी ने कहा है, और यूनिवर्सिटी ने इसके लिए नोटिफिकेशन में भी जिक्र किया है। एक बात मैं और बता दूँ कि 30 नंबर का या 30% का आपका सोनोप्सिस होगा, जो उसमें इंक्लूडिंग इंटरव्यू भी होगा, सोनोप्सिस इंटरव्यू 30% का, और जो आप नेट गेट या जेआरएफ है उसका 70% का वेटेज आपको दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग के दोनों पैराग्राफ को, उसमें थोड़ा परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया गया है इंटरव्यू का और सोनोप्सिस को लेकर, उसको आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आते हैं सीटों पर, ZOOLOGY जूलॉजी 6 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 2, इंग्लिश में 4, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में 3, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 5, हिंदी में 8, बॉटनी में 1,
हिंदी में 8, बॉटनी में 1, केमिस्ट्री में 5, फिजिक्स में 4, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3, इसके अलावा है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4, एजुकेशन में 5, मैथमेटिक्स में 1, सोशल वर्क में 5, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 1, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 5, बॉटनी में 1, हिंदी में 8। दोबारा से सीटें रिपीट कर दी है, ये सारी सीटें जो मैंने आपको बताई। एक और चीज़ कि मान लीजिए आपका मेन डिसिप्लिन नहीं है पीएचडी का अप्लाई करने के लिए, आपका एक अलाइड सब्जेक्ट है। यदि आप किसी अलाइड सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपका एमएससी केमिस्ट्री नहीं है, आपका एमएससी हो सकता है लाइफ साइंस से हो सकता है एमएससी मैथमेटिक्स से हो, लेकिन आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करना है पीएचडी में, यदि आप अलाइड सब्जेक्ट के अप्लाई करते हैं तो आपको 55 की बजाय आपको भी 60% नंबर लाने होंगे। यदि आप कैटेगरी में हैं और जर्नल में हैं तो आपको 65% यदि है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि अदर कैटेगरी में जाते हैं अलाइड में तो 5% नंबर आपको अधिक लाने होंगे, ठीक है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। यही जानकारी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की, और साथ ही साथ में यूजी और पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म भी आए हुए हैं इसी विश्वविद्यालय के। यदि आप यूजी और पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। एक मोटी मोटी बात कि जैसा कि इसमें जिक्र है कि नेट जेआरएफ गेट वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग सब एग्जामटेड कैटेगरी में हो, एंट्रेंस भी ना हो, लेकिन एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, आप एग्जामटेड है या नहीं है, इसके बारे में जिक्र अभी नहीं कर सकते क्योंकि नोटिफिकेशन में इसके बारे में कुछ बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन जो भी अपडेट आएगा अगली बार में आपको हम बता देंगे। और ये नोटिफिकेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, परिवार, प्रकृति, पुस्तक और शिक्षकों का भी ख्याल रखिएगा। पुनः आप सभी को नमस्कार, समय देने के लिए जय हिंद, सलाम।